पूरे पटना को आपने पाट दिया, उसके पहले ही पाट दिया, साबित कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। आज ये आपकी हाजिरी, ये आपकी उपस्थिति इस बात का परिचायक है। जनता की शक्ति के सामने कोई कितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता है। आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। ये जो किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था, तीन तीन बार उसको जारी किया, संसद में समर्थन नहीं मिला, देश की जनता ने इसको नकारा और आज थक कर लोगों के सामने झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। ये खुशी का दिन है। चले थे बिहार को ललकारने, आज घुटना टेकना पड़ा। ये देश के लोगों की सबसे बड़ी जीत है। आज जब हम यहां के लिए निकल रहे थे तो मन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। आज ये उनके मन की बात नहीं थी, ये देश के जनता की जीत थी और देश के जनता के दिल की बात थी, मन की बात थी, जहां झुकना पड़ा। 14 महीने के बाद जब चुनाव आ गया तो बिहार की याद आने लगी और कहने लगे कि आपका समर्थन चाहिए। अरे बिहार के लोगों ने तो लोकसभा के चुनाव में झांसे में पढ़ के आपका समर्थन कर ही दिया था, तो फिर क्यों समर्थन चाहिए? काला धन वापिस लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे, क्या फर्क पड़ता है, एक बार फूल का ही बटन दबा दो 15-20 लाख रुपया तो मिल जाएगा। मिली एक पाई नहीं। ठीक कहा मैडम सोनिया जी ने, अपने कार्यकाल का एक चौथाई हिस्सा समाप्त कर चुके, एक वायदे को नहीं निभाया। जनधन खाता खुलवा दिए थे, कहा था कि हर गरीब को 15 से 20 लाख मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे, माना सब पैसा वापस लाने में समय लगता, लेकिन